नमस्कार, हॉप फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में स्थिति सुधरी है और चीजें कहीं ना कहीं सामान्यता की तरफ आगे बढ़ी हैं। इसके पीछे जाहिर तौर पर सरकार द्वारा किए गए नीतिगत और कानूनी बदलावों का बड़ा हाथ माना जाता है और ये अपने आप में होना जरूरी भी था ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। ये हो भी रही है, मगर अब भी कोई एक ऐसा संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करने के आरोपी बने हुए हैं और उनके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिलने वाला है। अभी हाल ही में कई रिपोर्ट्स में मालूम चला है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में काम करने वाली हुर्रियत को अब पास में कुर्सी पर बिठाने की बजाय निगरानी में बिठाने का निर्णय लिया है। खबर के अनुसार अभी एजेंसियों ने छानबीन में कई ऐसे सबूत हासिल किए हैं जो इनको गलत ठहराने के लिए काफी हैं और बाद में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जवाबदारी भी एक तरह से पूरी हो जाएगी। अभी की खबर के अनुसार सरकार इन संगठन के ऊपर क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत इनके ऊपर, इनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर यूएपीए के कानून के तहत कार्रवाई करते हुए इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है और इनकी संपत्ति को भी सील किया जा सकता है ताकि लोग उसका कोई भी दुरुपयोग किसी भी गलत गतिविधि के लिए ना कर सके। अब ये क्रैकडाउन कब तक शुरू होता है और कब जाकर ये पूर्ण प्रतिबंध देखने में आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी के लिए हुर्रियत वालों में थोड़ा चिंता से भरा हुआ माहौल जरूर बना हुआ है। एक बड़ी खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कहा कि घाटी में आतंक के वित्त पोषण और हमारे युवाओं को आतंक में धकेलने के इरादे से पाकिस्तान भारी मात्रा में सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। एनसीबी के साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों की स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान सिंह ने ये बातें कही। जाजर कोटली इलाके में गुरुवार को सीज किए गए 52 किलो हेरोइन के अलावा पुंछ, बारामूला और अन्य बॉर्डर एरिया में पकड़े गए अन्य ड्रग्स का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा। साथ ही डीजीपी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लाई और रैकेट्स पर भी शिकंजा कसने की बात कही। यहां कार्यक्रम में सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी देने के लिए एनसीबी प्रमुख SN प्रधान का शुक्रिया किया। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य NDPS के मामलों में हमारी पुलिस में जांच के कौशल और क्षमता को बेहतर करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कार्यक्रम क्यों और कैसे इतना अधिक जरूरी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ओर से आतंक के वित्त पोषण और मासूम युवाओं को आतंक में ढकेलने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान के लिए घुसपैठ अब इतनी आसान नहीं रही। वहीं आतंक को लेकर सुरक्षा बलों को भी फ्री हैंड दे दिया गया है। पाकिस्तान के लिए सब सीमा पर घुसपैठ मुश्किल होती जा रही है, तो वह नए नए तरीकों से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहता है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय स्केटर आर्यवीर सिंह जम्वाल ने लैटिन अमेरिका के ब्राजील में जारी मास्टर्स कोपा डो ब्राजील प्रतियोगिता में क्लब पॉलिस्टा डी पेरिनाको की बी टीम की ओर से भाग लेकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। जम्मू कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आर्यवीर पिछले करीब 4 महीने से ब्राजील में है। वह कई स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने ब्राजील के सिंटोजिनो में जारी मास्टर्स प्रतियोगिता में भाग लेकर न सिर्फ अपने क्लब को जीत दिलवाई बल्कि टीम की विजय में निर्णायक खिलाड़ी की भूमिका भी निभाई है। क्लब पोलिस्ट्रा डी पोटिनाको की प्रबंध कमेटी ने आर्यवीर सिंह जम्वाल का के खेल की सराहना की है। इस बीच जम्मू कश्मीर सहित देश में स्केटिंग खेल से जुड़े खिलाड़ियों जो आर्यवीर के साथ खेल चुके हैं, उन्होंने भी आर्यवीर को इस शानदार उपलब्धि के लिए मुबारकबाद देते हुए उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना की है। आर्यवीर की अब नजर प्रोफेशनल लीग पर टिकी है।
और उम्मीद है कि वह जल्द ही इनमें अपना दमखम दिखाने में कामयाब होंगे। देशहित चैनल हॉप फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। हम सब जानते हैं आज गोरखपुर विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। गोरखपुर में 1990 में बंद फर्टिलाइजर कारखाना अगले महीने दिसंबर में प्रारंभ हो जाएगा। गोरखपुर में एम्स की मांग 2004 से चल रही थी, पिछली सरकारों ने अनदेखी की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स भी दिया और एम्स के बनने के साथ ही आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी पूरी तरह गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया है। एम्स का उद्घाटन भी अगले महीने गोरखपुर में होने जा रहा है। गोरखपुर में अगले महीने हम लोग वाटर स्पोर्ट्स की इस योजना का भी, जो रामगढ़ ताल को देश की सुंदरतम झीलों में रूप स्थापित करते, पर्यटन विकास के साथ साथ यहाँ के युवाओं को स्पोर्ट्स यानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम बनेगा। आज गोरखपुर चाहे वह अच्छी सड़कों का हो और चाहे बहुत शीघ्र उन तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे प्रयास कर रही है कि हम लोग गोरखपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर कैसे कर सकें। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेज की सेवाएं उपलब्ध करवाने, गोरखपुर में मेट्रो की सेवा को आगे बढ़ाने, आवागमन को और भी आसान करने की दिशा में सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बेहतर प्रयास में केवल सरकार के स्तर पर नहीं और केवल जनप्रतिनिधियों के स्तर पर नहीं, बल्कि आम जनमानस के साथ बेहतर संवाद बनाने और आम जनमानस को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास को और उन योजनाओं की सार्थकता के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योजनाएं आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगी और उन योजनाओं की वास्तव में गोरखपुर के विकास में और परिवर्तन में किस प्रकार की भूमिका हो सकती है। जब आम नागरिक इसके साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह उनके संरक्षण के लिए भी और उनके रखरखाव में भी अपने स्तर पर भी वह योगदान दे सकता है। और आज का यह कार्यक्रम उसी की एक झलक है कि जब गोरखपुर में 316 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं आ रही हैं उन नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। और आज के इस आयोजन में जब ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर के लिए यहां पर स्वीकृत तो हुई हैं, इन सभी योजनाओं के लिए गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई। आप सभी को इसकी हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको भी मैं इसके लिए कोटि कोटि बधाई आप सभी को उपलब्ध कराता हूं।